गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आठवीं कक्षा में हम वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे थे। कल हमने वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्याओं में इकाई अंक की संभावना, वर्गमूल में इकाई अंक की और अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना ये सीखा था। आज कुछ प्रतिरूप दिए हुए हैं वर्ग संख्याओं के, वो प्रतिरूप देखते हैं, जिसे ध्यान से देखना, फिर आपको मैं होमवर्क में भी दूंगा। जैसे एक प्रश्न है हमारे पास, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करो। मैं यहां पे नोट करवा रहा हूं प्रश्न, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए, ये जो मैं आपके सामने चैप्टर पेश कर रहा हूं ये नया है, एनसीईआरटी द्वारा जोड़ा गया सिलेबस है, नया आ चुका है, मैं आपको नई बुक में से पढ़ा रहा हूं। ये पहला उसमें प्रश्न दिया हुआ है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरो। देखो प्रतिरूप क्या दिया है, जैसे 11 का स्क्वायर दे रखा है 121, फिर 101 का स्क्वायर दे रखा है, तो ध्यान दें यहां पे अच्छी तरह से, इसमें दे रखा है 10 20 1, ये कैसे आया वो देखना। अब उसके बाद में मान लो ये आ गया हमारे पास, और उसके बाद में ये आ गया, ये आ गया, एक एक शून्य बढ़ रही है बीच में, 11 था स्क्वायर, 101 हो गया, 1001 का स्क्वायर, 10001 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर। इस तरह से हम आगे की संख्याएं कितनी भी है वो प्रतिरूप की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, 11 है, इसके बीच में कोई भी शून्य नहीं है, तो आपको सीधा ही 11 का स्क्वायर 121 निकाल के लिख देना है, पहला तो याद रहता है तुम। वैसे यहाँ एक शून्य बीच में आ रही है, तो आप 121, देखो मैं इसको बता रहा हूं यहाँ पे 121 ऐसे खुले में लिखे हैं, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, और यहाँ एक शून्य है तो इनके बीच में एक एक शून्य लगा दोनों। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो वही 11 का स्क्वायर लिख दीजिए, 1 2 1, शून्य बीच में कितनी आ रही है 2, तो इनके बीच में 2 2 शून्य लगा दें, ये प्रतिरूप आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से 11, ये बीच में 3 शून्य आ रही, तो 1 2 1 लिख दो, 3 3 शून्य बीच में डाल दीजिए, ये संख्या बन जाए। इस तरह से बच्चों ये प्रतिरूप आपके आठवीं कक्षा की बुक में नया जोड़ दिया गया है, वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में। तो इसको आगे आप लोग करोगे, मैं आगे और लिख रहा हूं, रिक्त स्थानों को बनना है आपको, जैसे 1 रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान 1, फिर यहां पे एक और लिख रहा हूं मैं, इसको आराम से उतार लें, 6 शून्य है बीच में, और वही 1 2 1, इसको आप पहले आराम से उतारें, फिर हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। सेकंड जो प्रतिरूप आ रहा है प्रतिरूप, उसका हमें देखो किस तरह से हल निकालना है। देखो भैया, हमने अभी 11 का स्क्वायर बीच में एक एक शून्य का आ रहा था, अब के बाद दूसरा प्रतिरूप आ रहा है, उसको ध्यान से देखना, पहले उसको आराम से समझना है। 11 का स्क्वायर वही 121, उसके बाद में 101 का स्क्वायर वही अभी आपको बताया था, 1 2 1 लिखे बीच में, 10201 हो गए। अब यहां देखते हैं आप लोग,
थोड़ा सा ध्यान रखना आप, जिस तरह से हम आगे इसको कितना भी ले सकते हैं, जैसे 10 10 10 तीन बार लिखा मैंने, फिर स्क्वायर कर दिया, 10 10 10 10 10 एक स्क्वायर। ध्यान से देखें, सबसे पहले 11 का स्क्वायर, इसमें कोई बीच में शून्य नहीं है तो आपको कुछ नहीं लगाना है, 11 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखे। यहां हम देखते हैं तो ये प्रतिरूप दूसरा नीचे तक अवलोकन करें, फिर आराम से जांचे पहले कि पहले वाला प्रतिरूप कैसे था दूसरा कैसा। इसमें 10 10 आ रहा है बीच में, पहले वाले में शून्य शून्य आ रहा था, तो हमें शून्य वाला वो पहले वाला प्रतिरूप की तरह निकलना है। इसमें क्या करना है, 10 10 देखना है कितनी बार आया, जैसे इसमें दो बार 10 10 दिखाई दे रहा है, कितनी बार आया, दो बार। देखो इसमें, देखो एक दो तीन बार आया 10, इसमें एक दो तीन चार पांच बार आया। तो भैया ध्यान से सुनिए, दो बार यदि 10 आया है तो आपको यहां पे 10 20 30 ये गिनती लिखनी है, आपको 10 20 30 तक जाना है। दो बार 10 आया है तो 10 और 20 और 30 एक आगे तक जाना है, जैसे 10 20 30 तीन बार आया, 10 10 तीन बार आया, तो आपको चार बार जाना है, 10 का पाड़ा है, 10 की टेबल है, वो चार बार जाना है, 10 20 30 40 ऐसे ऐसे। जैसे इसमें देखते हैं तो 10 10 10 10 10 एक दो तीन चार पांच बार आया, तो आपको छह बार जाना है, छह बार मतलब 10 की टेबल छह बार हुआ, 10 20 30 40 50 60 ऐसे। उसके बाद में 60, जैसे मान लो इसमें देखते हैं, इसमें देखिए यहां 10 दो बार आ रहा था तो 10 20 30 मैंने तीन बार लिख दिया है, 10 20 10 की टेबल है वो तीन बार लिखी, 10 का पड़ा तीन बार लिखा, 30 आने के बाद वापिस उतरना है आपको 20 20 फिर एक लगा देना, 20 से नीचे 10 नहीं लिखना है आपको, केवल 20 30 20 और 50 आ गए तो 50 40 30 20 आते ही फिर आगे एक लगा देंगे। इसी तरह से जैसे इसमें देखना, इसमें देखने ध्यान से, एक दो तीन बार 10 आ रहे हैं तो आपको 10 20 30 40 तक लिखना है, 40 के बाद में नीचे उतरना शुरू करोगे, 30 20 आ गया एक लगा, 20 आते ही आपको एक लगा देना है। इस तरह से आपको रिक्त स्थान इसमें भी बनना है, ध्यान से देखना है, जैसे एक सवाल दे रखा है अपना, यही आपको रिक्त स्थान में बनना है, यहाँ क्या आएगा, एक इधर भी दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए, 10 20 30 40 50 40 30 20 1। अब यहां पे रिक्त स्थान है, इस पे स्क्वायर लगाना है आपको, क्या आएगा, तो यहां इसको देख लीजिए एक बार, हम लोग यहां चले कितनी बार है, एक दो तीन चार पचास तक, हाईएस्ट हम 50 तक गए, पांच बार, 10 20 30 40 50 फिर नीचे उतरे, देखो 40 30 20 एक आगे, तो 50 तक गए हैं हम, आगे बढ़े हैं, तो आपको चार बार 10 लिखना है, इसमें चार बार 10 लिखना है, 10 10 10 10 और फिर एक लगा के स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर यहां, इस तरह से रिक्त स्थान बनना है। तो बच्चों ये आपको होमवर्क में करना है, ये भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से इसको देखकर। इसके बाद भी मैं यहाँ पे जैसे मान लो प्रतिरूप चल रहा था, इसी को आगे यहाँ ऊपर देखना, इसमें एक और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 10 20 30 40 50 60 70 70 के बाद में अब नीचे उतरते हैं हम लोग, 60 50 40 30 20 1, और यहां पे आपको रिक्त स्थान बनना है, इस पे स्क्वायर लगा देना है। आप अच्छी तरह से इसको देखें और ये उतार लें, जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति आपको करनी है, इस प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को बनना है।
तीसरा प्रतिरूप आ रहा है हमारे सामने, ध्यान से देखना। दो प्रतिरूप मैंने बता दिया, तीसरा प्रतिरूप भी बहुत ही मजेदार है, आप ध्यान से देखना। जैसे इसमें कोई भी दो संख्या रेगुलर लेनी है आपको, जैसे एक दो, या फिर तीन चार, या फिर दस ग्यारह, आठ सात, सात आठ सॉरी, छह सात, ग्यारह बारह, ऐसे रेगुलर संख्या लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे वन और टू ले रहा हूं, बीच में प्लस लगा देना आप और इनका स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखिए प्रतिरूप को, दो लगातार संख्या लीजिए, दोनों पे स्क्वायर कीजिए, बीच में प्लस लगाइए, आगे भी प्लस लगाइए और इन दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए। इनकी स्क्वायर को नहीं गुणा करें, केवल इन दोनों संख्याओं को, एक को दो से गुणा करेंगे तो दो आएगा। और इसका उत्तर यहां पर देखो सेकंड में कैसे निकालते हैं, तो यहां पे एक प्लस दो, ये रेगुलर होना चाहिए, ये दोनों संख्या लगातार होनी चाहिए, एक के बाद में दो, तीन ले सकते हो या तीन के बाद में चार आएगा, और फिर इन दोनों को गुणा करके यहां लिखा जाएगा और आपका उत्तर क्या आएगा। देखो ये दो है ना, तो दो के आगे वाली संख्या क्या होती है, तीन का स्क्वायर आएगा उत्तर। इसी तरह से मैं एक और ले रहा हूं यहां पे, जैसे मान लो चार ले लिया मैंने, चार प्लस पांच करो, चार और पांच को गुणा करो, बीस, बीस के तुरंत अगली संख्या कौन सी है, इक्कीस। अब सब पे स्क्वायर लगा दो, आपका उत्तर होगा। जांच करते हैं एक बार, इसी की जांच करते हैं, यदि आपको जांच करनी है तो चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, बीस का स्क्वायर 400, इनको जोड़ो, छह पांच ग्यारह, 441, इधर 441 आया इसका, तो 21 का स्क्वायर 441 ही होता है, ये भी 441, राइट। समझ में आया होगा, एक और लेते हैं, चलो एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग। जैसे यहां कोई भी संख्या ले लीजिए, 10 प्लस 11, लगातार दो संख्या, प्लस इन दोनों को गुणा कीजिए, 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110 बराबर, 110 की अगली संख्या 111, सब पे स्क्वायर लगा दो, ये भी प्रतिरूप है अपना। आशा करता हूं समझ में आ गया हो आपको, बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर भी आपको कुछ ब्लैंक बनने हैं, वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, जैसे 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहां पे आप लोगों को बनना है। एक और देखें इसी तरह से, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस खाली स्थान, और यहां पे 21 का स्क्वायर है। इसी तरह से आगे और लिख देता हूं मैं यहां पे, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान, इनमें क्या आएगा, यहां पे स्क्वायर लगा देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए, या आप खुद लगा सकते हो। तो ये अच्छी तरह से इसको ध्यान से देखें और अपनी नोटबुक में इसको भी लिख लेना, ये जो रिक्त स्थान है इसको बनना है। अच्छी तरह से इस होमवर्क को देखें और यही इन प्रश्नों में ये होमवर्क, आज हम प्रतिरूपी पढ़ेंगे और तीनों प्रतिरूप अच्छी तरह से आप लोग सीखेंगे, अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कोई भी संख्या ले सकते हो आप लोग, लेकिन होना चाहिए इसी रूप में, तीनों प्रतिरूप आप अच्छी तरह से याद करें, बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, थैंक यू। इस होमवर्क में साथ में ये भी ध्यान रखना, आपको यहाँ पे इन्हीं प्रश्नों में पांच पांच प्रश्न और आगे बढ़ा देना है अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार संख्या लीजिए और इसी तरह से पांच पांच प्रश्न और बना लेना है, यही होमवर्क रहेगा। साथ में इसमें जो ब्लैंक दिए हमने, रिक्त स्थान दिए हैं, इनकी भी पूर्ति करनी है और साथ में पांच पांच इसके प्रतिरूप और बनाएंगे। कल हम इसी प्रतिरूप को आगे बढ़ाते हुए वर्ग और वर्गमूल में
और पटेंगे, अच्छी तरह से इसको उतार लो।